अज बहुजन समाज पार्टी के वलों बठिंडा के एक विशाल जिहड़ी रैली की गई है कि जिते के तन काले कानूनों नूं लैके लगातार जो किसान धरने ते बैठे आ उन्होंने हक के जिहड़ा अज इन्हां दा उन्होंने हक के बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। इस भी दस दिए कि जिला गुलाबी सुंडी के नरमे के मार के आया गया उत्थे जिले खेत मजदूर ने वह भी उन्होंने मार के आए उन्होंने मंगा लैके कांग्रेस जिहड़ी सरकार के खिलाफ जिले अज यह धरने से बैठे तुम्हें धरने तस्वीर अभी तुम्हें दिखा रहे हैं। यह जिले कि बहुजन समाज पार्टी के वलों खेत मजदूर के जिले हक के जिला ये अज धरने से बैठे आ जिला कि लगातार तुम दस दिए कि गुलाबी सुंडी ने जिला नरमे की काफ़ी वड्डी मार जीती है मार पाई है जिला कि उत्थे जिथे किसान भी मार पी है तो उन्होंने नाल जिला मजदूर आ उन्होंने भी काफ़ी जिला नुकसान होया। जिहड़ियां तस्वीर ने उन्होंने हकों के जिले बहुजन समाज पार्टी की जिले लीडरशिप आ वह सारे जिला अज जिला विशाल रैली से बैठे ने असी नाल कुछ सारिया तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ इन्हों के कुछ आगू भी साढ़े नाल जुड़े ने उन्होंने भी गलबात करावे। एक बार सूँ फिर असं जिले बार बार जो तस्वीर ने वो तुम अभी दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी दियाँ बहुजन समाज पार्टी के जो तस्वीर ने वो तुम दिखा रहे हैं कि जिले लोग मजदूर लोग ने जिले धरने से बैठे ने कांग्रेस के खिलाफ जिला धरना चल रहा है अभी तक जो कि कांग्रेस सरकार ने ना मजदूर ना किसानों कोई भी गुलाबी सुंडी के नुकसान का कोई भी खर्चा नहीं दिता। साढ़े ना किसान जुड़े ने इन गलबात करा तो प्रधान जी अज किस मुद्दे लैके जिला तुम अज इतने विशाल रैली कर रहे हो जिहड़ा अज अंबेडकर साहब के चरणों के विच असी बुत कोले प्रोग्राम रखा है इहदा असली मकसद यह है कि जो लंबे समय तो लॉकडाउन के समय तो ला के किसान मजदूर इस देश का भुखमरी नाल जिउ रहा है उहदे लई जिहड़ी नरमे की खेती सी उह वड्डी आस सी मजदूर नूं नरमे की खेती की वड्डी आस सी मजदूर नूं कि तीन तीन चार चार जी नरमा चुगांगे जिहड़ा सियाला है अपना वह सौखा टप जूगा पर वो सरकार दियां नाकामियां दे कारण माड़ियां स्प्रेहां दे कारण माड़े बीजां दे कारण ते कुदरत दी मार दा कहर इहो जिहा वापरिया कि गुलाबी सुंडी हो के नरमे की जिहड़ी फसल उह मर गई है। तो पंजाब की जिहड़ी सरकार है केंद्र की सरकार है जदों कोई कुदरत की आफत आ जाए तो उदों सरकार जिम्मेवार होंदी आ रोटी देण दी। तां असीं सरकार अगे चन्नी दी सरकार अगे मोदी दी सरकार अगे मंग करदे हां कि जे किसान नूं 50,000 रुपया मुआवजा दिता जा रहा जिहड़ी सरकार हैगी आ जिम्मेवार होंदी आ सरकार वादा कर रही है असीं जिहड़ा किसानां नूं जिहड़ा हैगा उह जिहड़ा उहनां दा जिहड़ा वाइवा बनदा जिहड़ा खर्चा बनदा जां मजदूरां दा बनदा हैगा उह असीं कदे वी जिहड़ा दित्ता हैगा उस बारे की कहिंदे कोई दिता नहीं अज तक सिर्फ सर्वे चल रहे हैं। असं कहने कि एक किले के हिसाब न किसान 50,000 रुपया दिता जाए तो जोड़ा मजदूर है वनू सर्वा करके घर के 25,000 रुपया मुआवजा दिता जाए। जे सरकार ने साड़ी गल ना मनी तो असं सड़कों पर सारे हल्कों के अंदोलन करा जे गल करिए पिछले एक साल 11 महीने तो किसान जिले है धरने से बैठे आ बीजेपी के अज तक जिले काले कानून वापस किए बहुजन समाज पार्टी जो काले कानूनों के खिलाफ है बहुजन समाज पार्टी के 14 MP है उन्होंने पार्लीमेंट बंद करने के भी भैन जी ने सहयोग के नाल पार्लीमेंट में बोलन नहीं दिता गया और बहुजन समाज पार्टी तनों मनो किसानों के नाल है और बहुजन समाज पार्टी जो हुण मालवे के बठिंडा मानसा के नरमे की फसल खराब हुई है और बहुजन समाज पार्टी पंजाब की लीडरशिप की हमायत के नाल जो नरमा खराब होया किसान नूं 50,000 रुपए पर माजवा मिले और जो किसान दे नाल 9 मजदूर का मजदूर का जो नरमा चुगण वाले आ उन्होंने भी 25,000 प्रति माजवा मिलना चाहिए। देखा जाए सरकार को समा बहुत घट रहेगा कि लग रहा है कि किसानों मजदूरों जो है खर्चा दे देगी जो बंद हक देगी उन्होंने
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 25,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀਖ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ।